Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to pronunciate letter A. Friends, comment box में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि letter A का आवाज कब क्या करें, यानी letter A का pronunciation क्या होगा? तो friends, आज के इस वीडियो में हम letter A का आवाज देखेंगे कि किस condition में क्या आवाज होगा. Friends, letter A का आवाज A, A, ए, ए, अ, ए होता है. अब इनमें से कब कौन होगा इसके लिए कुछ रूल्स हैं, लेकिन कई बार आपको इन्हें प्रैक्टिस के जरिए सीखना होगा. तो फ्रेंड्स, जो रूल है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी आवाज जिसके लिए कोई रूल नहीं है तो उसे हम प्रैक्टिस के जरिए सीखेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, जब लेटर ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो अ का उच्चारण ए होता है. हिंदी का यह एक मात्रा है, आप इसे जानते होंगे. आप देख सकते हैं यहाँ लेटर अ आया हुआ है और उसके बाद एक लेटर छोड़कर ई आया हुआ है. तो जब कंडीशन ऐसा हो फ्रेंड्स कि कहीं ए लिखा हो उसके बाद एक लेटर छोड़कर ई आया हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ए आया हुआ है उसके बाद एक लेटर छोड़कर ई आया हुआ है, यहाँ पर ए आया हुआ है फिर एक लेटर छोड़कर ई आया हुआ है. तो जब कंडीशन ऐसा हो तो इस हालात में एक आवाज ए होता है, जैसे केम, गेम, नेम. अगर हम इसे हिंदी में लिख कर दिखाएं, आप इसे लिखेंगे नेम. तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मात्रा, इसे हम ए का मात्रा कहते हैं. तो हम कहेंगे केम, गेम, नेम. अगर इसे मैं यहाँ लिखूं तो मैं लिखूंगा ऐसे, फेम, सेम, गेम, ब्लैम, हेज, फेड. अगर मैं इसे हिंदी में लिख दूं तो ऐसे लिखा जाएगा, फेड, ब्लैड, रेट. आप इसको अक्सर देखते होंगे फ्रेंड्स, ऐसे लिखा जाता है ए का मात्रा. लेट, यानी ऐसे आप देखते होंगे, रेट, हेट, स्लेट. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आया कि जब लेटर ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो लेटर ए का आवाज ए होता है. आइए अब दूसरा आवाज देखें. फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि जब लेटर ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण ए होता है. लेकिन फ्रेंड्स, जो अक्षर हम छोड़ रहे हैं या जो लेटर हम छोड़ दे रहे हैं, अगर वो लेटर आर हो तो इस कंडीशन में ए का आवाज ए अ होता है. मतलब जब लेटर ए के बाद आर हो और आर के बाद ई हो तो इस कंडीशन में ए का आवाज ए अ होता है. जैसे आप यहां देख सकते हैं लेटर ए आया है और लेटर ए के बाद आर आया है और उसके बाद ई आया है. तो फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसा हो कि कहीं ए लिखा हो उसके बाद आर लिखा हो फिर उसके बाद ई लिखा हो, तो इस कंडीशन में जो अ का आवाज होता है वो ए अ होता है. जैसे इसे हम कहेंगे कैर, यानी ये ए बन गया ये सिंबल और यहां पर अ आप देख सकते हैं. तो इसे हम कहेंगे कैर, इसे हम कहेंगे डैर, इसे हम कहेंगे फैर, ये है मैर, ये है शेर, ये है रैर. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह रूल आपको समझ में आया होगा कि कहीं ए लिखा है और ए के बाद आर है उसके बाद ई है तो फिर ए का आवाज ए अ होगा, यानी ये सिंबल और ये लेटर होगा. फ्रेंड्स, बताएं इसका उच्चारण क्या है, पी ए आर ई. आप देख सकते हैं यहां पर ए आया है और उसके ठीक बाद आर आया है फिर ई आया है. तो लाजमी है आप कहेंगे पेयर और इसका आवाज पेयर ही होगा. आइए फ्रेंड्स ए का तीसरा आवाज देखते हैं. फ्रेंड्स, जब दो व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जब दो व्यंजन के बीच में अ आता है और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो अ का आवाज ए होता है. बैड, यहां पर जो अ का आवाज है वो है ए, यानी ये सिंबल जिसे आप हिंदी में यूज करते हैं. बैड, फैट, सैड, हैड, डैड, बैट, पैड, मैट, चैट, कैट. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस बात को याद रखेंगे कि जब दो व्यंजन के बीच में
यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अ है, और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो अ का आवाज आय होता है, जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बातों को समझ रहे हैं, यानी ये तीसरा रूल है, अगर आपने तीनों को समझा तो फिर अभी मेरे एक सवाल का जवाब दें। जरा सोचें, जैसा कि मैंने कहा, जब दो व्यंजन के बीच में अ आता है और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो अ का आवाज आय होता है, ठीक है, ये बात हमने समझा। लेकिन मान लीजिए अगर दूसरे व्यंजन के बाद ई हो तो आप उसका आवाज क्या बोलेंगे? जैसे आप यहां देखिए, ये दो व्यंजन के बीच में अ आया हुआ है, सी और आर दोनों व्यंजन हैं, यानी कॉन्सोनेंट हैं, और उसके बीच में अ आया हुआ है, लेकिन दूसरे व्यंजन के बाद ई है, तो इस कंडीशन में आप इसको क्या पढ़ेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि यह रूल टू है, यानी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको रूल नंबर दो में ये बात सिखाया कि अगर कहीं ए आया हो और ए के बाद आर हो और आर के बाद ई हो तो इस कंडीशन में आप एक आवाज ए अ करते हैं और इसे कहेंगे स्केयर। मैंने टाइप टू में आपको बताया फेयर, मेयर, रेयर, शेयर, तो उम्मीद है आप इस बात को याद रखे हैं और आपको तीनों रूल बड़े आसानी से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स अगला नियम देखते हैं। जब किसी शब्द के अंत में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई हो तो ए का आवाज अ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वर्ड के लास्ट में आया है ए आर। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ए आर, यहां भी आप ए आर देख सकते हैं, यहां आप ए एल देख सकते हैं, यहां आप ए एल देख सकते हैं, यहां ए एन देख सकते हैं, यहां भी ए एन देख सकते हैं, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई हो तो उस वर्ड में ए का उच्चारण अ होता है, जैसे पिलर, रेगुलर, नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, टर्बन, असिस्टेंट, टॉलरेंस। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ये सभी वर्ड्स रहेंगे तो ए का आवाज अ होगा। फ्रेंड्स अभी तक ए का आवाज कैसे करना है मैंने उसके रूल्स बताए, लेकिन फ्रेंड्स ए का एक आवाज आ होता है और इसका कोई खास रूल नहीं है, इसे हम प्रैक्टिस यानी अभ्यास के जरिए ही सीखते हैं। सिर्फ आप नहीं, हम सभी इसको प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या वर्ड्स हैं जिसे आप प्रैक्टिस के जरिए सीखेंगे। इन सभी वर्ड्स में ए का आवाज आ होता है, आस्क, बास्क, कास्क, टास्क, मार्क, बार, कार, स्टार, यार्ड, हार्ड, फार, क्लास, कार्ट, बार्ड, यार्ड, मार, बार्क, डार्क, मार्क, सार। फ्रेंड्स इन सभी में ए का आवाज आ है। फ्रेंड्स कई बार ए का आवाज अ होता है और इसके भी कोई खास रूल नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसे भी हम सभी प्रैक्टिस के जरिए ही सीखते हैं। आइए देखते हो क्या वर्ड है। एडमिशन, अफेक्शन, अग्री, अहेड, अलाइक, अलीव, अपीयर, अलॉन्ग। फ्रेंड्स आप इसको प्रैक्टिस से याद कर लेंगे कि इन सभी में ए का आवाज अ होता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह लेसन बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको ए का आवाज समझ में आया तो प्लीज मेरे चार क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताएं इन चारों वर्ड्स का आवाज क्या है। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि आपके आंसर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो बना सकूं। फिर मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।